नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तर। आप देख रहे जेके न्यूज़ ब्रेक। राजौरी पर फिर हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर ले चलते हैं। जम्मू में बताते हैं किस तरह से जो है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, और खासकर बात करें तो रमन बल्ला जो कि जम्मू रियासी की सीट पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस गारंटी देती है, घोषणा नहीं करती। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में ये रिपोर्ट। हर शिक्षक युवा को एक साल का, हर शिक्षित युवा को एक साल का मान लीजिए, या हर महीने का 8,500 का एप्रेंटाइज दिया, अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और पेपर लीक से मुक्ति। ये तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके मुद्दे पे बिल्कुल गंभीर है कि पेपर लीक की पूरी तरह से रोकने की एक नीति बनेगी, एक कानून बनेगा। और जो व्यापम में हुआ मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट इससे बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से गारंटी देती है, युवाओं को गारंटी देती है, इससे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा, एक बेहतर वर्क कंडीशन जो होता है, माहौल वातावरण होता है, इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का युवा के लिए एक स्टार्टअप बजट बनाया जाएगा, एक कोष रखा जाएगा 5,000 करोड़ का। अब आते हैं हम नारी न्याय का, आधी आबादी पूरा हक वाली जो बात करते हैं हम लोग, उसमें महालक्ष्मी में गरीब परिवार को की एक महिला को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी हर साल। आधी आबादी पूरा हक, हम लोग वचनबद्ध हैं आधी आबादी के लिए। उसके तहत जैसे केंद्र सरकार नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। शक्ति का सम्मान, शक्ति का वाकई सच सम्मान करना है और करती आई है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से पीछे हालात देखी है हमने, उसके तहत हम ये विश्वास दिलाते हैं आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगुना कर दिया जाएगा सीधा। ये बहुत प्रायोरिटी पर बहुत क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए। तकरीबन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर यहाँ पे जो हैं, और मिड डे वालों की तनख्वाह डबल हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। गारंटी के अंदर आता है न्यारी न्याय में अधिकार मैत्री, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार देने के लिए हर ग्राम पंचायत में, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत के अंदर माइक्रो लेवल पे जाकर एक अधिकार नेत्री की अपॉइंटमेंट की जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर। सावित्री भाई फूले हॉस्टल, कांग्रेस का मानना है महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसके तहत पार्टी कामकाजी महिलाओं की जो हॉस्टल की संख्या है उनको बिल्कुल दुगना कर देगी। तो तमाम 5 बिंदुओं पर 25 गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी आपके बीच में उपस्थित हुई है, और ये विश्वास दिलाती है आपको कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी अपनी सारी। इसलिए हमारा प्रयास है कि वो बात लोगों तक जाए, जिसमें बहुत अहम चीज़ें जो है वो जो 5 सब्जेक्ट्स में उनको, ये बहुत ही देश का नक्शा बदलने वाली चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से 5 न्याय के तहत युवाओं को न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, और की बात है ये 5 न्याय की बात घर घर तक पहुंचाने का हमने अभियान शुरू किया है। आप सबका भी दावत चाहिए कि ये जनता को पहुंचे। तो मैनिफेस्टो पे हम बाद में आएंगे, आज अभी ये भी करेंगे, जो मेन चीज़ है वो सारी ये चीज़ें जो इसमें नहीं है। गारंटी और घोषणा में फ़र्क ये है कि गारंटी है, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है, घोषणा नहीं करती। और सबसे पहला जो है हमारा हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय करेंगे, गिनती करेंगे, व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी जिसके हिसाब से नीतियाँ बनेंगी सरकार की, और जो वंचित वर्ग रहा उस तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। आरक्षण का हक है,
उस ओबीसी एसटी एसटी आरक्षण पर 50% की जो सीमा है उसको हटा दिया जाएगा, एससी और एसटी के हिसाब से प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जनसंख्या की हिस्सेदारी के अनुसार एसटी एसटी का उप बजट हम लोग आगे बनाएंगे, जल जंगल जमीन में कानून लाएंगे, वन अधिकार नियम के तहत दावों को एक वर्ष के भीतर हम इनका समाधान निकालेंगे, ये हमारी गारंटी है। अपनी धरती अपना राज, कांग्रेस का हमेशा सदैव ये सोचना और समझना रहा है कि अपनी धरती अपना राज, जहां एसटी सबसे ज़्यादा सामाजिक समूह हैं वहां अनुचित क्षेत्र हम लोग घोषित करेंगे और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं किसान न्याय, ये बहुत ज़रूरी है। पीछे कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ है। ये अपने ही किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसके दिल्ली जाने पे किस तरह दिल्ली की सड़कों को किला बना दिया गया, कील ठोक दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई, किसानों से दूरी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। हम किसानों के न्याय की बात करते हैं, जिसमें हमारा अपना मानना है हम किसान को सही दाम दिलाएंगे, उसका कर्ज माफी आयोग बनाएंगे। पहले भी पिछली भी सरकार में कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा नहीं, ये करके दिखाया था, किसानों के सारे कर्ज माफी करके दिखाए थे। बीमे का सीधा भुगतान ट्रांसफर होगा, जिसमें अब तक जो किसानों को इधर उधर परेशान होना पड़ता था उसका पूरा समाधान किया जाएगा, और वो भी कांग्रेस पार्टी गारंटी दिलाती है 30 दिन के भीतर किया जाएगा। दूसरा, किसानों को आयात निर्यात की नीति ऐसी बनाई जाएगी जिससे किसानों को स्थिर और फायदेमंद एक सरकार का रूप मिलेगा। जीएसटी को हम बिल्कुल, ये हमारा दावा है इस न्याय के माध्यम से, जीएसटी को हम बिल्कुल, खेती को बिल्कुल मुक्त करेंगे जीएसटी से, किसानों को बिल्कुल मुक्त करेंगे हम जीएसटी से। जो जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ी है इस वर्ग की, हम किसानों को बिल्कुल गारंटी देते हैं कि किसानों को जीएसटी से बिल्कुल अलग, खेती को बिल्कुल अलग किया जाएगा। दूसरा, तीसरे न्याय पे आते हैं, श्रमिक न्याय। स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा जिसमें श्रमिक के तहत, और मैं आपको बताता हूँ, आधिकारिक तौर पे ये बताता हूँ आपको कि मुफ्त आवश्यक जो डायग्नोसिस है उसके अंदर दवाएँ हैं, उपचार है, जो भी है, पुनर्वास है, वो सब कांग्रेस पार्टी इसके अंदर आपको गारंटी देती है। दूसरा, श्रम का सम्मान। कांग्रेस पार्टी इस मनरेगा को लाई थी जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर क्रांतिकारी कदम बताया गया था, और आज मैं यहाँ